पे आसीन हमारे साथ हमारे क्षेत्र के सांसद जिनकी सौम्यता परिपक्वता और मिलनसार व्यक्तित्व जिससे भली भांति परिचित मेरे मीडिया के आप लोग वहीं बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ आपके पीछे दादा खड़े हैं अब, ठीक है। तो उनकी मिलनसार व्यक्तित्व के साथ और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि हरिशर्ट में, वो हरिशर्ट में बैठ जाओ, और जिनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता, उनके पूज्य पिताजी, उनके साथ आज संध्या परिवार की तीसरी पीढ़ी का संबंध है। ऐसे हमारे सांसद आदरणीय शेजवलकर साहब मंच पर आसीन, हमारे सिंचाई मंत्री कर्मठ लगनशील इंदौर ग्रामीण सांवेर के विधायक, लेकिन नाम भी इतना सुंदर और स्वरूप भी नाम की तरह तुलसी रूप हमारे आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे क्षेत्र के मंत्री, हमारे गौरव और जिन्होंने अपने क्षेत्र और आसपास में एक सतर्कता के साथ एक भूमिका निभाई है जनसेवा के पथ पर। अभी मुझे बता रहे थे मंच पर कि वे और इमरती देवी जी दोनों एक साथ एक ही समय पर जिला पंचायत के सदस्य होते थे, तो पग पग पर इस महान लोकतंत्र के सीढ़ी पर मेहनत मशक्कत से लगन से चढ़ के चढ़ते आज मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री के रूप में स्थापित हमारे अपने ग्वालियर ग्रामीण के भरत सिंह कुशवाहा जी, हमारे क्षेत्र की अपनी बेटी, अपनी परिवार के सदस्य और अब तो नानी बन गई है, क्षेत्र की विधायिका तीन बार जो रही, प्रदेश सरकार में मंत्री रही, आज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट का दर्जा, और आप सब की परिवार के सदस्य आदरणीय इमरती देवी जी हमारे जिले के अध्यक्ष, मेहनत और लगन के साथ जो कार्य करते हैं आदरणीय कौशल शर्मा जी, मोहन सिंह राठौर साहब, हमारे पूर्व विधायक जवाहर सिंह रावत जी, मंच का संचालन हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जिन्होंने बड़े दमखम के साथ किया है, हमारे अपने वीरेन जैन साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बज्जर सिंह गुजर जी, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत सुंदर दृश्य आज इस मंच पर देखने को मिल रहा है, जहां हमारी जनपद अध्यक्षा श्रीमती प्रवेश मेहता गुजर जी हमारे साथ हैं, हमारी नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी देवी जाटव जी हमारे साथ हैं, हमारे पिछोर की नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी देवी चौरसिया जी हमारे साथ हैं, हिमांशु परसेडिया जी,
हमारे राजू खटीक जी, महेंद्र सिंह यादव जी, धर्मेंद्र गुर्जर जी, अनुप कुशवाहा जी, अरविंद शर्मा जी, वृंदावन बघेल जी, ब्रिजमोहन गुर्जर जी, जितेंद्र रावत जी, उदयवान सिंह रावत जी, केशव बघेल जी, समझ मनचा सिंह, हमारे महानुभव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान और शान, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन की मकसद, मेरे क्षेत्र के, मेरे परिवार के सदस्यगण, इस ग्वालियर चंबल संभाग के गौरव, मेरे सभी भाई और बहनों जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आज इस क्षेत्र के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक दिवस है। और केवल यह याद रखना, आज एक ऐतिहासिक दिवस केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं पर एक भावनात्मक दिवस। और मैं बताना चाहता हूं आपको क्यों। इस क्षेत्र में विकास और प्रगति का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है मेरे भाई और बहनों। सिंधिया परिवार का रिश्ता रहा है तो राजनीति का रिश्ता नहीं रहा है, रिश्ता रहा है तो आपके जन जन के साथ एक विकास का रिश्ता, एक प्रगति का रिश्ता, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक खून का रिश्ता और एक माटी का रिश्ता रहा है। और आज मैं अपने पूर्वज को याद रखना चाहता, जिन जन सेवक ने 100 साल पूर्व, 150 साल पूर्व एक आधुनिक ग्वालियर स्टेट की नींव रखी, एक विकासशील ग्वालियर स्टेट की नींव रखी, मैं अपने पूर्वज माधव महाराज को आज नमन करता हूं, जिन्होंने इस ग्वालियर चंबल क्षेत्र को केवल नहीं लेकिन नीमच मंदसौर से लेकर रतलाम और उज्जैन और शाजापुर तक, राजगढ़ तक, राजस्थान के झालावाड़ तक, समूचे क्षेत्र में एक विकास और प्रगति की एक नई नींव और एक नई स्थापना करवाई थी 150 वर्ष। ये वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है जो एक वीरान क्षेत्र रहता था, ये वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है जो एक बेहड़ का इलाका कहलाता है, और उस जमाने में 1890 में, 1910 में भारतवर्ष में दो शासक थे जिनकी दूर दृष्टिकोण थी, जिनकी विचारधारा विकास और प्रगति के साथ पूर्ण रूप से प्रचलित थी। एक थे शासक जिनका एक हृदय का संबंध हमारे अपने बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ था, सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा के, और दूसरे शासक माधव महाराज ग्वालियर, जिन्होंने वर्तमान की प्रगतिकारक और विकासशील ग्वालियर चंबल संभाग की नींव उस समय में रखी। और ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, उस समय में ग्वालियर चंबल संभाग में सिंचाई का साधन नहीं होता, पानी की स्रोत नहीं रहती, और उस जमाने में समूचे ग्वालियर चंबल संभाग में 2000 करोड़ की राशि के आधार पर एक एक कस्बे में, एक एक तहसील में 790 पानी के तालाब और टंकियों बनाने का काम माधव महाराज ने किया।
और आज भी अगर आप जाओ उज्जैन से, शाहजहांपुर से, रतलाम से, मंदसौर, नीमच से, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, एक एक जिले में जाओ तो आज भी मेरे अन्नदाता जो इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं आज भी उन्हीं तालाबों से अमृत समान पानी मेरे अन्नदाता को आज भी मिलता है। सिंचाई का एक जाल बिछा के रखा था उन्होंने, चाहे पगारा का तालाब हो, कोतवाल का बांध हो, चाहे अटार घाट की योजना हो, श्योपुर और विजयपुर में जो जंगली इलाका होता था वहां बांध लगवाए, और ग्वालियर संभाग की बात करें तो वो तिगरा बांध जो 150 साल पहले मेरे भाई और बहनों 1.5 मील लंबाई का दीवार बना के बांध बनाया था 150 वर्ष पूर्व माधव महाराज, और जिस बांध से आज भी विचार करना पड़ता है, जिस बांध से 4,622 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का स्रोत 150 वर्ष पूर्व स्थापित किया था ग्वालियर स्टेट में, और दूसरी तरफ हरसिद्धि का बांध आज भी आप और हम घूमते हैं तो आपके और हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में, हमारे मुंह पर हरसी और टिगरा का नाम आता। वो हरसी का बांध जो 150 वर्ष पूर्व मिट्टी का बना हुआ था, और आपको यकीन नहीं होगा आज के जमाने में भी, भारत में नहीं, आज के जमाने में जब 2023 की बात हम कर रहे हैं 150 वर्ष पूर्व भी आज भी पूरे एशिया में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है मेरे भाइयों ने। लाखों लोगों को उस बांध से अमृत का पानी मिलता है, लाखों लोगों की पूरी जिंदगी उस बांध के आधार पर बसती, और जहां सिंचाई का काम हुआ था उस समय, उसी समय मेरे अन्नदाताओं के लिए माधव महाराज किसान को किसान कभी नहीं कहते थे, माधव महाराज सदैव किसान को अन्नदाता कहते थे। आज जितने भी हमारे सिख समाज के किसान ग्वालियर चंबल संभाग में बसे हुए थे, माधव महाराज उनको पंजाब से लेके आए थे और मुफ्त जमीन लेकर यहां बसाया था ताकि पंजाब की तरह हरा भरा खेत यहां हो पाए। महाराज रंजीत सिंह के नियुक्ति पर गए थे पंजाब में, उन्होंने देखा सिखों की कमाल की खेती, और उन्होंने नियोक्ता दिया, निमंत्रण दिया कि ग्वालियर स्टेट में हम मुफ्त की जमीन देंगे, आप आइए, और आप जब आएंगे नई सोच और विचारधारा लेके आएंगे, और एक एक फसल के रकबे पर उतना ही उत्पादन होगा जो पंजाब में होता है, सिंचाई मैं लगवा के दूंगा। और हमारे सिख समाज के भाई और बहनों ने भी उस न्योता को स्वीकार करके 20,000 सिख समाज के किसान यहां के बसे थे पूरे ग्वालियर के, और जहां सिंचाई का काम हुआ आज किसान क्या चाहता है कि जब उत्पादन उसका तैयार हो, फसल कटने का समय हो, तो फसल काटकर जल्द से जल्द मंडी तक पहुंचा पाए। ग्वालियर में यह कठिनाई नहीं, डबरा में यह कठिनाई नहीं, लेकिन श्योपुर में, विजयपुर में, भिंड में उस जमाने में मंडी बहुत दूर होती। तो क्या किया माधव महाराज ने, माधव महाराज ने ग्वालियर स्टेट लाइट रेलवे की शुरुआत की, और ग्वालियर से शिवपुरी की रेल लाइन,
ग्वालियर से भिंड की रेल लाइन और ग्वालियर से श्योपुर की रेल लाइन की शुरुआत की, ताकि किसान अपना फसल लेकर मंडी में लेकर आए और उचित दाम उस किसान को मिले। ये उस समय की सोच और विचार था। और जब भारत आजाद हुआ, आज अगर भारत की मान और सम्मान और प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बनी है, तो अगर उसका श्रेय जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, अगर कहीं जाता है तो मेरे अन्नदाताओं को जाता है, मेरे भाइयों को। क्यों जाता है? क्योंकि आजादी के समय में हमारा फसल का उत्पादन सीमित होता था। भारत एक प्रगतिशील विकासशील राष्ट्र की आशा और अभिलाषा रख रहा था, लेकिन अन्न काफी नहीं था भारत की जनता की पेट को भरने के लिए। उस समय अमेरिका ने पीएल 480 लगाई थी, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा अनाज खरीदने के लिए। और आज 75 वर्ष में जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो वही देश जो आयात करता था अनाज का, वही देश आज घर से मेरे अन्नदाताओं की वजह से निर्यात करता है हमारे अनाज का। आज हम देशों से अनाज खरीदते नहीं हैं। वासुदेव कुटुंबक की सोच और विचारधारा आज भारत का मेरा अन्नदाता विश्व की जनता का पेट भराने का कार्य करता है, मेरे भाइयों। तो आज मैंने अपने किसानों को सलाम करता हूं, मैं अपने अन्नदाताओं को झुककर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारत माता के झंडे और तिरंगे को लहराया है, तो मेरे किसान और अन्नदाता ने विश्व में लहराया है। जय सिंधिया, जय सिंधिया, जिंदाबाद। एक नवीन सफर पे हम चल रहे हैं मेरे भाई और मेरे पूर्वज माधव महाराज के पश्चिमों पर चलकर मेरे दादाजी बाजीराव महाराज ने, मेरी दादी राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया ने, मेरे पूज्य पिताजी ने सदैव इस क्षेत्र की विकास और प्रगति की पीड़ा उठाने की जिम्मेदारी। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आपका बंधन, आपका प्रेम, आपका स्नेह प्राप्त हुआ, और इसलिए हम मानते हैं कि अगर जिंदगी में मेरी अगर कोई सबसे बड़ी पूंजी है, तो वो पूंजी है कि अगर आपके दिल में भी मैं छोटा स्थान पा पाऊं, मैं अपने जीवन को सफल मानूं। कल भारतीय जनता पार्टी के 44वीं स्थापना दिवस पर उनके उद्बोधन को हमने सुना और उन्होंने हम सबको आह्वान किया, केवल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लेकिन देश के जन जन को आह्वान किया कि मेरे भाई और बहनों, ये अब सफर तैयार हो चुका है, गांठ बांध लो, ये भारत का सफर है अमृत काल से शताब्दी काल तक, और इस अमृत काल से शताब्दी काल तक के सफर पर आप और हमें मिलकर मेहनत और परिश्रम करके भारत को विश्व पटल पर सबसे अग्रणीय देश के रूप में स्थापित करना होगा। और आज हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो रात दिन मेहनत करके आपके जीवन में, आपकी एक एक क्षण में खुशी और समृद्धि लाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में जहां नेतृत्व देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में,
वही नेतृत्व प्रदेश में शिवराज सिंह जी के हाथ में, जो भी तुलसी सिलावट जी सिंचाई मंत्री ने कहा, कांग्रेस के काल में 2003 याद रखना, जब सड़क नहीं होते थे और हमें गड्ढों में सड़क ढूंढने पड़ते थे, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? और याद है जब दिन भर होती थी बुआई और रात के 3 बजे 2 घंटे के लिए मिलती थी बिजली सिंचाई के लिए, रात दिन भर मेरा किसान बुआई पे लगता था और रात भर जागता था मेरा अन्नदाता खेत में पानी देने के लिए, याद रखना वो समय, क्योंकि वो ही चेहरे सामने आने वाले हैं, वो ही चेहरे, इन दोनों चेहरों को, इस चेहरे को, इन चेहरों को गाली देंगे, नाम देंगे, लेकिन याद रखना कि जो चेहरे कभी आपके नहीं हो पाए, जिन चेहरों ने पर आपके नाम पर वादा खिलाफी की, उन चेहरों को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधे ने किया। क्योंकि 20 साल निकल गए, सुशासन की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और केंद्र, शिवराज सिंह जी और मोदी, एक पीढ़ी निकल गई, जो पीढ़ी आ रही है 18 साल की हो रही है, उन्होंने उन दोनों भाइयों की सरकार नहीं दी। समझदार को इशारा काफी है, एक है छोटे भाई और दूसरे है बड़े भाई, चुनाव आ गया, तैयार हो गए मैदान में आने के। भूलना मत जब लाइट नहीं आती थी, भूलना मत जब इमरती देवी जी ने अभी सारे सड़कों का नाम लिया, वहां सड़कें नहीं होती थी, केवल गड्ढे के गड्ढे होते थे। भूलना मत जब मध्य प्रदेश में हाईवे नहीं होती थी, भूलना मत जब आपके खेत में पानी नहीं होता था, और भूलना मत जब ये दोनों की जोड़ी भोपाल के शानदार हिल्स के बंगले में मजे खा। आज मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है, ये भारत माता का कार्यकर्ता है, ये भारत माता का कार्यकर्ता है, उसी सोच और विचारधारा के साथ कि अंत्योदय का लक्ष्य प्राप्त करना है, ये वही भारत माता का कार्यकर्ता है, एक ही सोच और विचारधारा के साथ कि एकात्म मानववाद का लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी कर्मठ जनसेवक जो आपके गोदी में से उठी है, आपके लिए संघर्ष और लड़ाई लड़ती है, विकास के लिए, प्रगति के लिए, न्याय के लिए, पिछले 3 वर्षों से एक ही बात बार बार, मारतनगढ़ सिंचाई की परियोजना के साथ बारकरी जिगनिया की नहर की योजना, और आज मुझे खुशी है
श्रीमती देवी जी का जो सपना था वो सपने को साकार करने में जो शेजवलकर साहब और हमने भरत सिंह जी और तुलसी सिलावट जी ने शिवराज सिंह जी से आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेके आज इस योजना का साकार रूप हम देखने को के लिए उपस्थित है मेरे भाई और बहनों। ये गिजोरा का ताली नहीं हुआ, बजाओ ताली। अरे ताली को ऐसे बजाते अगर मेरे साथ और शेजवलकर जी के साथ और तुलसी जी के साथ और भरत सिंह जी के साथ बारकरी के स्थान पे खड़े होकर देखते कि क्या गजब की योजना आ रही है। मैं समझाऊंगा आपको, ये सामान्य सिंचाई की योजना नहीं है। सामान्य सिंचाई की योजना बांध कनाल माधव महाराज के समय में आई थी। ये योजना जो बननी जा रही है आपके यहां और आपके द्वारा मैं घर घर तक ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं, ये एक अति आधुनिक योजना है। और कैसे, मारतनगढ़ की परियोजना 2300 करोड़ रुपए की 2018 में शिवराज सिंह जी ने प्रण और संकल्प किया था कि हम बैठकर बनाएंगे। डीपीआर तय करी थी, शिलान्यास किया था, भिंड के क्षेत्र को स्योड़ा में हमारे डांडियोली गांव में सिंध बांध पर सिंध नदी पर बांध बनने जा रहा है और उसके तहत भिंड और आसपास के शहर क्षेत्र में 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने जा रही है। 80,000 हेक्टेयर भूमि, 3 जिले प्रभावित हैं, भिंड ग्वालियर और उसी के साथ दतिया। ये ऐसी योजना है जो ऐसे लाइन में जा रही है। ग्वालियर चंबल में कोई योजना आए, मैंने शिवराज सिंह जी से निवेदन किया है, एक जिले की योजना नहीं हो सकती। अगर योजना आएगी तो एक लाइन पकड़ के उत्तर से दक्षिण तक जानी चाहिए, पूरब से पश्चिम से जानी चाहिए। सही है कि नहीं? शुरू हुई ग्वालियर से निकलते हुए सिवना तक गई, लेकिन उसके आधार पर हमारा ये क्षेत्र तब भी व्याकुल रहा। 2018 में योजना का शिलान्यास हुआ, 300 करोड़ रुपए का पहला किस्त शिवराज सिंह जी ने आवंटित किया कॉन्ट्रैक्टर। अभी भरत सिंह जी मुझे मंच में सुना रहे थे 2019 ने सरकार हमने बदलवाई, उस समय मैं उधर था, अब पलट दिया आपने भी। पर आपने और हमने पलटा एक सोच के साथ कि विकास हम लाएंगे, प्रगति हम लाएंगे, नई सोच और विचारधारा लाएंगे। अग्नि जोड़ी बैठ गए वल्लभ भवन में, कोई दबाव पिछोड़ नहीं आया, कोई बिलौवा नहीं आया, 15 महीने में चेहरा नहीं दिखा। अरे कभी कभी तो आ जाए, जब पलट गई उसके बाद आने लगे। और क्या किया इन्होंने, अभी भरत सिंह जी मुझे समझा रहे थे, जो 300 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी ने मां रतनगढ़ की परियोजना के लिए दिया था, और क्या नाम, मां रतनगढ़ की परियोजना,
उस 300 करोड़ रुपए को कॉन्ट्रैक्टर के जेब में डलवा के पूरी तरह से भ्रष्टाचार का हजम करा दिया कमलनाथों की वजह से ने। समाप्त हो गई योजना और उसके बाद मुझे कहा कि जमीन पे आ जाओ। एक चीज कान खोल के सुन ले, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी कभी भी सिंधिया परिवार को कबूल नहीं है मेरे भाई और बहन। कबूल होना चाहिए क्या? बोलो मुझे। और आज मुझे खुशी है कि शिवराज सिंह जी की सरकार बनी और एक महीने के अंदर उस कॉन्ट्रैक्टर को जिसने पैसे पॉकेट में डाला था एक और योजना के आधार पर उसको हटाकर दोबारा मां रतनगढ़ की परियोजना का काम तैयारी करके शुरू हो चुकी है। 2 साल के अंदर पूरी होगी मेरे भाई और बहन। तालियां थोड़ी कम नहीं, मैं जानता हूं पर सिंधिया जी उस योजना से हमारा क्या लाभ होगा? ये तो कभी भी चिल्ला रही थी, पार करी जिग्निया की नहर बनवाई। तो मैं गया शिवराज सिंह जी के पास, शेजवलकर साहब भी मेरे साथ आए, हम दोनों साथ में गए और मैंने कहा कि इस योजना को भी उसी के साथ जुड़वाना होगा। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि ये 500 करोड़ रुपए की योजना जिसके आधार पर 52 गांव डबरा क्षेत्र के पंजाब जैसे हरे भरे हो जाएंगे और इसमें 19,000 हेक्टेयर पूरी रूप से सिंचित हो जाएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं मेरे भाई और बहन। फिर 1000 मिलीमीटर के पाइप से 30 हेक्टेयर की जमीन का हमने अलग अलग ढांचा बनाया, मतलब ऐसे 700 ढांचे बने। अगर 20,000 हेक्टेयर की जमीन सिंचित हो रही है तो 700/30 बना 21,000 हेक्टेयर, तो 30-30 हेक्टेयर के खांचे हमने बनाए। उन 30-30 हेक्टेयर के खांचे में 700 मिलीमीटर के पाइप के आधार पर पानी पहले उस 30 हेक्टेयर में पहुंचे। उस 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक छोटा पंप हाउस बनेगा, उस छोटे पंप हाउस में पंप लगेगी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, पंप हम लगा रहे हैं कंप्यूटर के आधार पर। उस कंप्यूटर वाले पंप के आधार से छोटे से नीचे से 7 पाइप निकलेंगे, वो एक एक पाइप आपके खेत तक पहुंचेगा और आपके एक एक खेत में, अभी एक मिनट, आपके एक एक खेत में जैसे दिल्ली और मुंबई में जाते हो ना तो कर्तव्य पत्र में जैसे प्रधानमंत्री ने हरी भरी घास के लिए पानी के स्प्रिंकलर लगाए हैं, आपके एक एक खेत में पानी के स्प्रिंकलर लगेंगे और उसी के साथ वो पाइप कंप्यूटर के आधार पे कनेक्ट होगा और आपका पूरा 30 हेक्टेयर की सिंचाई की खेती पानी के स्प्रिंकलर के आधार पे हो जाएगी मेरे भाई। नवीन है कि नहीं? और पानी की बचत के लिए मेरा किसान वही पंप में जाकर अपने हाथ से अपने मोबाइल पे ऐप होगा जहां बटन दबा के वो अपने आप पंप को खोल सकता है और पंप को बंद कर सकता है। तो क्या हो रहा है कि जो तकनीक और टेक्नोलॉजी बड़े बड़े शहर में बॉम्बे दिल्ली और बेंगलोर के लोग को मिलते हैं वही टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान और हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं।
ये क्रांतिकारक योजना होगा 18,000 हेक्टेयर भूमि के लिए। और ये मैंने राजगढ़ जिले में देखा है क्रियान्वयन होते हुए, और वहां के किसान जो सूखा का सामना करते थे, आज वो राजगढ़ जिला का क्षेत्र इस योजना के आधार पर पंजाब का हरा भरा खेत की जैसे बन चुका है। तो आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका भविष्य समृद्धशाली है। हमारे प्रधानमंत्री ने सदैव किसानों की बात की है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे एक एक सीमांत कृषक के खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष और उसके साथ डबल इंजन की सरकार 4,000 रुपए शिवराज सिंह जी भेज रहे हैं, 10,000 रुपए आपके खाते में जाने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और आप सोचो जो मुख्यमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि जहां एक तरफ किसान को समृद्धशाली बनाना, चाहे समर्थन मूल्य हो, आज गेहूं की बात करो, चना की बात करो, सरसों की बात करो, एक कीर्तिमान समर्थन मूल्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करो, और उसी के साथ हमारी मातृशक्ति महिलाओं को देश के विकास और प्रगति में आगे लाने के लिए जहां लाडली लक्ष्मी की योजना होती थी कि जन्म से 21 वर्ष की बेटी को लखपति बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की, वहीं अब शुरुआत होगी लाडली बहना की योजना कि हर एक महिला के खाते में 1,000 रुपया हर माह पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। पुरुषों की इतनी कंजूसी क्यों, तालियां महिलाओं के लिए क्यों नहीं बजा रहे हो? आपके खाते में पैसे आने की बात होती है तो धड़ाधड़ धड़ाधड़, और मेरी महिलाओं के खाते में पैसे आने की बात जरा बजाओ ताली महिलाओं के लिए, अरे अच्छे से बजाओ ताली महिलाओं के लिए। जो महिला मेरे घर में केवल घर की तिजोरी की चाबी रखती थी, आज वो महिला को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सशक्त बना दिया है कि तिजोरी खोलकर उस तिजोरी में पैसे डालने का दायित्व भी मेरी महिलाओं के हाथों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने। अभी भी कंजूसी, अब जब मैं बताऊंगा तब कंजूसी नहीं। हमारे सारे लोग जो यहां बैठे हुए किसान है कि नहीं, हाथ उठाओ। आपके खाते में 10,000 रुपए प्रति वर्ष आ जाता है, खुश हो? हाथ उठाओ अगर खुश हो। अब ये सोचो आपके घर में अम्मा, अब लाडली बहना योजना में अम्मा को कितना पैसा मिलेगा साल में? 12,000 और आपका 10,000 कितना हुआ? अब सोचो घर में पत्नी है, पत्नी को कितना मिलेगा? अगर पत्नी को भी 12,000 मिलेगा तो 22 और 12 कितना हुआ? अरे बोलो दादा कितना हुआ? 34,000। और अब सोचो घर में अगर एक बहू है तो बहू को कितना मिलेगा? तो 34 और 12 कितना हुआ? 40 हो गया। और अब ये सोचो कि घर में दूसरी बहू भी है,
तो दूसरी बहाओं को कितनी मिली? 46 और 12 कितना हुआ? 18। एक घर में इन दोनों की जोड़ी ने आपके घर में 58,000 पहुंचाने का कार्य किया। यह सशक्तिकरण है भारत की, यह विचारधारा है भारत की, और इस सशक्तिकरण के आधार पर चाहे व्यक्तिगत सशक्तिकरण हो मेरे किसान का, चाहे व्यक्तिगत सशक्तिकरण हो मेरी महिला का, चाहे व्यक्तिगत सशक्तिकरण हो मेरे नौजवान का, जिनको हर माह प्रधानमंत्री खड़े होकर 1 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, 12 लाख अगले 12 महीनों के अंदर ये नए भारत का उदय हो रहा है मेरे भाइयों। और इस सतर्क प्रांत को हमें चलना, आने वाले दिनों में गर्मियां बढ़ेंगी, मौसम के आधार पर गर्मी बढ़ेगी, और कुछ लोग जो अपने घर में पिछले 3 साल से बैठे हुए थे उनका तापमान भी बढ़ने वाला है। फुदक फुदक कर आएंगे आपके सामने, पर एक राज आपका और हमारा होना चाहिए। तैयार हो आप? एक कोड होना चाहिए, जब भी कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा हमारे सामने आए, एक कोड आपका और मेरा। क्या है वो कोड? एक कोड याद रखना, 2003। बोलो मेरे साथ, क्या? 2003। और यही कोड होना चाहिए कि दोबारा 2003 की स्थिति जो बंटाधार मध्य प्रदेश का किया था, उससे हटकर इस डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर प्रगति और विकास के मार्ग पर मेरा मध्य प्रदेश और मेरा ग्वालियर चंबल संभाग साथ में मिलकर मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर मेरे साथ सहमत हो तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो मेरे साथ और बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आभार के लिए राजू खड़ी जी पधारे, जिला पंचायत सदस्य, और ये सभी महानुभावों से आग्रह है। नए शास्त्री जी बता रहे हैं कि सभी का भंडारा भैया, सभी लोग भोजन प्रसादी लेके ही जाएंगे। राजू खड़ी जी आभार करें। आज हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है।